बाधित हो गया है। दरअसल संजय राउत ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों की पहचान पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता उदयन राजे भोसले को इस बात का प्रमाण देना चाहिए कि वो छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। इस बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में फिर अंधड़ उठा दिया। बीजेपी आक्रामक हो गई, कांग्रेस भी इस बयान की निंदा करती नजर आई। बीजेपी विधायक राम कदम पर तो राउत के खिलाफ पुलिस में शिकायत करवाने के लिए लगातार वो कोशिश करते दिखे। बड़बोले राउत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मिलने का बयान भी दे डाला। फिर क्या था, उनका जमकर मजाक बना। लोकमत के मंच पर संजय राउत पूरी रॉ में बोले, अपने अतीत को याद किया, दिल खोलकर अपनी बात रखी, लेकिन शायद भूल गए कि सियासत में ज्यादा बोलने से कई बार गड़बड़ी हो जाती है। बोलते बोलते ऐसी ही गड़बड़ियां संजय राउत कर बैठे। अंडरवर्ल्ड पर बोलते बोलते उन्होंने कहा कि वो उस वक्त के अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद इब्राहिम से मिले थे और उसे डांटा भी था। दाऊद इब्राहिम पासून सगळ्यांचे फोटो सेशन गेलेले, दाऊद इब्राहिमला पाहिलेले, त्याच्याशी बोललेले फार कमी लोक देशामध्ये। मी त्याला पाहिलेलं आहे, त्याच्याशी बोललो आहे अनेकदा, त्याला दम सुद्धा दिलाय। बघा हे तो काय वेगळा होता। लोकमत के कार्यक्रम में मौजूद उनके इस बयान पर जनता भी दिल खोल कर हंसी, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने संजय राउत का जमकर मखौल उड़ाया। एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे ने ट्विटर पर लिखा कि मैं ओसामा बिन लादेन से मिला था, 9/11 के हमले के बाद मैंने उससे फटकार भी लगाई। संजय राउत साहब दाऊद से बात कर सकते हैं, उसको दम दे सकते हैं। हमने भी ओसामा बिन लादेन से बात की, हमने भी 9/11 के बाद उनको दम दिया। ये तो रहा हल्का फुल्का विवाद, लेकिन संजय राउत ने एक और ऐसा बयान दिया जो महाराष्ट्र की पहचान छत्रपति शिवाजी के वंशजों से जुड़ा। उन्होंने बीजेपी नेता उदयन राजे भोसले के लिए कहा कि अगर वो शिवाजी के वंशज हैं तो इस बात का सबूत दिखा। जिस शिवाजी महाराज के नाम पर शिवसेना लगातार राजनीति करती रही है, उन्हीं के वंशजों से शिवसेना सांसद संजय राउत ने सबूत मांगे तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। राउत के बयान से शिवसेना फंस गई। बीजेपी विधायक राम कदम ने संजय राउत के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी करते हुए बयान के लिए माफी मांगने को कहा। शिवसेना सांसद संजय राउत के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों से उनके वंशज होने का सबूत मांगने को लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई है और यहां पर जो घाटकोपर के इलाके के विधायक हैं बीजेपी के राम कदम, उनके समर्थक यहां पर घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। वहां उन्होंने संजय राउत के खिलाफ 2 शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ कर यहां पे उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवसेना ने सबसे पहले हिंदुत्व छोड़ दिया, सावरकर जी का प्रेम छोड़ दिया, अब उन्होंने शिवाजी के प्रति जो प्रेम था वह भी उन्होंने छोड़ दिया। तो खुर्शी ने इनको सबको सिखा दिया है। अब इनके नेता के दाऊद के साथ संबंध ये चुप है, कांग्रेस के नेताओं के संबंध करीमलाला हाजी मस्तान के साथ है ये चुप है। संजय राउत को इस बयान पर उनकी ही सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने भी जमकर घेरा। निरुपम ने कहा कि जिस शिवाजी के नाम पर शिवसेना अपनी दुकान चलाती आ रही है, वही उनके वंशजों से उनके वंशज होने का सबूत मांग रही है। ये उसकी राजनीतिक उद्दंडता है। ये बहुत ही हास्यास्पद है और थोड़ी सी उद्दंडता जैसी मुझे दिख रही है बात। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज है, उन वंशजों से छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज होने का सबूत कौन लोग मांग रहे हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकान चलाई। तो ऐसे शिवसेना वालों को ये शोभा नहीं देता है। संजय राउत के बयान से भोसले के समर्थक भी नाराज हो गए। महाराष्ट्र के सतारा में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। भोसले समर्थकों ने गधे के गले में संजय राउत की तख्ती लटकाई और नारेबाजी। बढ़ते विवाद को देखकर संजय राउत मीडिया के सामने आए और सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने वंशज होने को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा। हमेशा आदर किया छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने, उनके नाम के सामने हमेशा झुकते आए हैं, लेकिन आप हमारे मुंह में कुछ भी डालेंगे, हाँ हाथ पैर तोड़ने की भाषा करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में कोई इस प्रकार की भाषा करता था, छत्रपति शिवाजी महाराज उनके भी हाथ पैर तोड़ देते। राउत लाख सफाई दें, लेकिन उनके इस बयान ने शिवसेना को फंसा दिया।
इस बयान के बाद विपक्ष के साथ साथ उनकी साथी पार्टी भी लगातार हमलावर है और बयान वापस लेने की मांग कर रही है। राउत के बाकी बयान तो बुलाए जा सकते हैं, लेकिन मराठा अस्मिता के सबसे बड़े चेहरे पर दिए गए बयान को महाराष्ट्र नहीं भूलेगा। अब चुनौती ये कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे।